महाराज आपसे भेजा हुआ यही मिशनर फकीर है जो सीआईडी में आपने भेजे हुए थे। महाराज यही आपका सीआईडी है। हमको तो शंका लग रहा था मुरी उरी सब छिड़ा लिया है। मुझे समाचार सुनाओ क्योंकि मेरा मन छटपट छटपट कर रहा है कि वो दोनों दुश्मन मेरा मर गया कि जिंदा है। जल्द बता महाराज। आपके फैसे कोई भी छतरी उन्हें शरण नहीं कोई नहीं दिया। कौन दे सकता है मेरे भय से शरण? आगे बता महाराज। छत्री लोग शरण नहीं दिए। एक राज बनारस दादा सैयद उन्हें शरण दिया। क्या कहे? मां साहब परवल उन्हें दोनों बालक को
और देवला के आम करके आने मुसलमान की घर से लाकर जब जात आजाद हो गई उसके बाद उसे उठाकर छतरी में पटक दिया। छतरी लोग कहने लगे छतरी का बच्चा है यह मुसलमान के घर में पला रहा है। परंतु यह बता राज खलिंजर ले आइए। परंतु यह बता कि मीटिंग कौन सी देश में बैठी थी? राज खलिंजर में बैठा था। मीटिंग बैठा वो था मैं तो क्या कर रहा था मैं देख रहा था क्या कर रहा है क्या उड़ा देता आगे बोलो महाराज। जब पृथ्वी आज का घोड़ा और गाय जितना तो था अच्छा यह गाय चढ़ाने के लिए उदल गया था बनबबरी में। अच्छा महाराज बनबबरी में गया तो यह घोड़ा को बांध कर राज कलिंजर में गया। दुश्मन की बड़ाई मत कर मेरे सामने। महाराज जब यह घोड़ा छीन करके राज कलिंजर में लाया तो पंप पंप शाबाश चुआबस चुआबस आगे की बात बता। चुआबस महाराज जब गाय चराने के लिए रुदर गया और अल्हा गया तो अल्हा को कहा कि भैया मुझे भूख लगा है अच्छा करके खाना लाओ। कहा ठीक है तुम अच्छे तरह से आना। जब यह एक छोटा शेर था उनको शेर के पकड़ करके रुकन मार वहां तुम क्या कर रहा था? महाराज जब देखा मैं शेर के पछाड़ते हुए गुस्सा आगे बता। महाराज राज कलिंजर में सुख दीपावली के समय पासा हुआ करता है। अच्छा तो सब छतरी लोग आए थे माही मामा माही भी आ रहे थे। उस समय रुदर भी पहुंचा अच्छा के साथ हाँ। जब पासा चालू हुआ अच्छा तो कांत था उनका छक्का बराबर छक्का हुआ करता था आने की चितकोड़ी को भट कर देता था। फिर क्या हुआ महाराज? इसी पर रुदर ताव चने दर माही का मारा माही को मारा तो उसका तो माहिर कहा है जा माहिर के मारने से तुमको वृताय नहीं मिलेगा। वृताय उस समय मिलेगा तुम्हारे बाप सोनी में पड़ के उनका झुकता है। ऐसा बोला माही फिर क्या हुआ? वो कहने लगा रुदर झगड़ू ठहरा यहूद क्या संकल्प किया है कि मैं सुरभि में आ रहा हूँ। हाँ महाराज।